One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. भगवान ने किया कि सर्वशक्तिमान अगर कोई है इस पृथ्वी पर इस दुनिया में इस धरा पर तो केवल भगवान है। उसमें चाहे देवताओं के राजा हो चाहे कोई हो लेकिन वो भगवान से बड़े नहीं हो सकते। इस काम को इस गोवर्धन पूजा के माध्यम से भगवान कृष्ण ने किया था जब सारा ब्रज क्षेत्र जो है वो इंद्र की पूजा करता था। इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन जो प्रत्यक्ष देव हैं दिखते हैं उनकी पूजा का प्रचलन भगवान कृष्ण ने प्रारंभ कराया। एनके करबंदा सर जो आपने यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कही है किस रिगार्डिंग? ये गोवर्धन पूजा के पक्ष में है जी। हमारा भारतीय प्रवचन समिति जिसका कि मैं संरक्षण भी हूँ जी और हम पिछले कई वर्षों से ये गोवर्धन पूजा का प्रोग्राम करते हैं। हमारा मुख्य ध्येय है कि हमारी जो संस्कृति है उसको हम लोगों के सामने लाए। हमारा जो प्रचार है उसी के बारे में होता है क्योंकि हमारे जो युवा जो अभी शक्ति है वो हमारे जो अपने जो हमारी संस्कृति है उससे काफ़ी अलग होती जा रही है। हमारी जो पाश्चात्य जिसको कहते हैं हम संस्कृति उसको हम ज़्यादातर अडॉप्ट कर रहे हैं। लोगों को के बारे में शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि क्या क्या हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसमें हमारा पर्वों के बारे में ही मेन होता है कि जो हमारे भारतीय पर्व हैं उनको प्रचार करें। सर कितनी तारीख को ये आपने इवेंट रखा गया है? ये इवेंट 14 तारीख को शाम को 6:30 नेहरू युवा केंद्र में है। उसमें मैं नोएडा वासियों को कहूँ अनुरोध करूँगा कि वे अपने सब परिवार के साथ वहाँ पर आए। वहाँ भंडारा भी हमारा है जलपान का और उसमें कुछ झांकियाँ भी हमने प्रस्तुत की हैं और उसमें एक सबसे बड़ी झांकी जो गाय का एक रखा झांकी दी है जिसमें आप वहाँ से एक आपके सामने प्रस्तुत जैसे ही आप उसके नीचे गिला सकेंगे उसमें एक दूध निकलेगा प्रसाद के रूप में। वो बहुत ही एक नया मतलब नॉवल्टी है। आपका नाम? मैं सुधीर मित्तल हूँ भारतीय पर्व आयोजन समिति का अध्यक्ष जी। सर जो आपने आज भगवान कृष्ण ने जी अपने जीवन काल में एक संदेश अपनी लीलाओं के माध्यम से सभी लीलाओं के माध्यम से दिया था उसी में गोवर्धन पर्व उन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए आयोजित किया ब्रज क्षेत्र में कि हम इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की यानी गौ की और गौ से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं और साथ में गोवर्धन पर्वत की पूजा करें कैसा संदेश देकर उन्होंने पूजा प्रारंभ कराई थी। इसी क्रम में हम यहाँ पर नोएडा में पिछले 11 वर्षों से गोवर्धन पूजा कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सर ये आपने प्रोग्राम कहाँ रखा है? इस बार ये कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र में कौन सी तारीख? सेक्टर 11 नोएडा में 14 नवंबर को जो दिन गोवर्धन पूजा है उसी दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शाम को 6:00 से ये कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमने इस बार बच्चों को जोड़ा है। बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता रखी है कि भगवान कृष्ण के जीवन पर वो अपने नृत्यों की प्रस्तुति देंगे जिसमें फर्स्ट प्राइज 11,000 रुपये, सेकेंड 7,500 रुपये और थर्ड प्राइज 5,100 रुपये हम बच्चों को देंगे जिसका निर्णय हमारे विभिन्न जज करेंगे कि वो उनका प्रोग्राम किस प्रकार का हो रहा है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें एक सुंदर झांकी जो मेरठ से आएगी गौ माता के स्थानों से सीधे भगवान कृष्ण और यशोदा ये दूध का प्रसाद सब भक्तों को देंगे सीधे थन से निकाल कर गाय के। ये झांकी बहुत ही सौंदर्य वाली होगी देखने वाली होगी। इसमें हम गोवर्धन की पूजा करेंगे अन्नकूट प्रसाद और 56 भोग लगाएंगे भगवान को जो सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा।